Question number 17. The angle subtended by the earth at the eye of spaceman landed on the moon is 1 degree and 54 minute. The radius of the earth is 6400 km. Find the approximate distance between the moon and the earth. Statement में हमें क्या बताया गया? एक spaceman है जो कि moon पर जाता है. तो तब उसका जो एंगल बनता है अर्थ के साथ वो एंगल बनता है 1 degree and 54 minute. जबकि जमीन का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ, वो 6400 किलोमीटर है. अगर ये दो चीजें गिवन है कि हमारे पास एक स्पेसमैन है जो कि मून पर जाता है, तो अर्थ का जो मून पर जो एंगल बनता है वो बनता है 1 degree and 54 minute और जमीन का रेडियस है 6400 किलोमीटर. तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ. जमीन का चांद से जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है. जमीन का चांद से जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो चले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास जो एंगल बन रहा है मून पर, एक स्पेसमैन जो मून पर पहुंचता है तो तब एंगल बनता है जिसको मैं थीटा बोल देता हूं, और वो थीटा मेरे पास होगा अप्रोक्सीमेटली 1 degree and 54 minute. ठीक है. जबकि जमीन का रेडियस, यानी जमीन का ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से इसकी ये जो सर्कल फ्रेंस है उस तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस ऑफ द अर्थ. अब जमीन का जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो 64 किलोमीटर है. ठीक है. यहाँ से मतलब कि ये जो मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है ये आ रहा है 64 किलोमीटर जमीन का रेडियस आ. उसके बाद हमें फाइंड करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ. ये देखिए, ये अर्थ से जमीन तक जो डिस्टेंस होगा उसको मैं बोलूंगा आर. वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. अब आपके जहन में एक क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि मैंने जमीन का जो चांद से डिस्टेंस है या चांद का जमीन से जो डिस्टेंस है उसको मैंने आर क्यों कह दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि चांद जमीन के गिर्द मोशन करता है, चांद जमीन के गिर्द सर्कुलर मोशन करता है. अगर जमीन को सेंटर मान लिया जाए, तो चांद उसके गिर्द अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. हम जानते हैं कि सेंटर से उसकी सर्कल फ्रेंस तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है. तो सेम सिचुएशन है यहाँ पर. हम क्या करते हैं, जमीन को सेंटर मान लेते हैं और चांद उसके गिर्द अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. इस वजह से चांद का, यानी कि जमीन के सेंटर से उस चांद, जो कि चांद पूरा मोशन कर रहा है, चांद के किसी भी पार्ट तक, किसी भी हिस्से तक हम डिस्टेंस लेंगे तो वो रेडियस ही होगा. तो वही हमने फाइंड आउट करना है. और दूसरी बात यहाँ पे गिवन है कि जमीन का रेडियस गिवन है 6400 किलोमीटर, लेकिन हमें तो यहाँ पर आर्क लेंथ चाहिए. आर्क लेंथ यानी कि अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये बन जाता है डायमीटर. ठीक है. और डायमीटर को जैसे ही, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे डायमीटर है तो चांद पर कोई भी शख्स जब जमीन को देखता है तो जमीन का जो डायमीटर है वो उसे एक कर्व फॉर्म में नजर आता है. वो उसे किस फॉर्म में नजर आता है? कर्व फॉर्म में नजर आता होता है. उसे एक सर्कुलर फॉर्म में नजर आ रहा होता है, ना कि डायमीटर उसे स्ट्रेट नजर आ रहा होता है. इसीलिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये डायमीटर जो है ना वो लेंथ ऑफ द आर्क है, वो लेंथ ऑफ द आर्क है. इसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. ठीक है. अब हम सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि हमें आर फाइंड करना. तो आर फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एल इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई थीटा. मतलब हमारे पास हमें फाइंड करना है आर. आर मालूम करने के लिए थीटा की वैल्यू भी पड़ी हुई है और आर्क लेंथ भी मौजूद है. लेकिन यहाँ पर देखें कि थीटा हमारे पास डिग्री और मिनट के अंदर है, लेकिन थीटा यानी कि एंगल का जो बेस यूनिट होता है वो तो रेडियन होता है. इसका मतलब हमें इसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी. सबसे पहले हम डिग्री मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर हमारा एंगल आ जाएगा. उसके बाद अभी हमारे पास आर्क ऑफ लेंथ चाहिए, लेकिन हमारे पास आर्क लेंथ तो मौजूद नहीं है, हमें तो बस जमीन का सेंटर मौजूद है. तो हम इस जमीन के सेंटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो ये बन जाता है डायमीटर ऑफ द अर्थ. डायमीटर ऑफ द अर्थ को हमने क्या सपोज कर लिया? हमने सपोज कर लिया है आर्क लेंथ. तो चले सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से. तो सबसे पहले हम एंगल निकालते हैं थीटा.
देखिए थीटा हमारे पास क्या गिवन है, थीटा हमारे पास है 1 degree and 54 minutes। 1 degree and 54 minutes को लिखा जा सकता है प्लस का साइन लगा देता हूं। अब हम जानते हैं एक रिलेशन कि 1 degree के अंदर 60 minutes होते हैं। जैसे ही अगर हम मिनट से डिग्री में जाते हैं तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये मिनट एक छोटा यूनिट है, डिग्री एक बड़ा यूनिट है। इसका मतलब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए हमें डिवीजन करनी पड़ती है, यानी हमें 60 पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलें थीटा बराबर हो जाएगा 1 degree प्लस 54 को डिवाइड कर देते हैं 60 पर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है डिग्री के अंदर। तो दिस इज इक्वल टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस 54 को 60 पर अगर हम कैंसिलेशन करें 2 पर तो ये बन जाता है 27/30। दोनों के ऊपर डिग्री थी तो मैंने ये होल की डिग्री ले ली है ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम मेरे पास आ जाता है 30, और 30 को 1 से ज़रब करूँगा तो 30 बनेगा, प्लस आ जाएगा 27, और ये आ गया कंप्लीट के ऊपर डिग्री का साइन। तो दिस इज इक्वल टू 30 में 27 को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 57/30, और ये कंप्लीट वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है। अब डिग्री में वैल्यू आ गई, अब डिग्री से कन्वर्जन करनी है हमें रेडियन के अंदर, क्योंकि थीटा यानी एंगल का जो बेस मिनट होता है वो रेडियन होता है, इसलिए हमें रेडियन में जाना होगा। तो रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे इसको लिख लोगे 57/30 degree, और फिर इक्वल का साइन लगा दोगे तो ये आ जाएगा 57/30। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई डिग्री नहीं लगाओगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री का साइन खत्म हो जाएगा, बल्कि एक नया साइन आ जाएगा रेडियन। अब तो सिंप्लीफिकेशन हम पाई की वैल्यू को पुट करवा देते हैं, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14 और डिवाइडेड बाय ये 30 मल्टीप्लाई बाय 180, ये सारी की सारी वैल्यू रेडियन के अंदर, इसलिए यहाँ पर रेडियन का साइन लगा देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज, तो थीटा आ जाएगा, बाई कैलकुलेटर की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 0.03316 रेडियन। तो यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू को रेडियन के अंदर निकाल लिया। अब हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ मौजूद है, अब हमारे पास क्या मौजूद है, रेडियस ऑफ द अर्थ सिंस, मतलब यहां लिख देते हैं एज रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो रेडियस हमारे पास गिवन है वो हमारे पास गिवन है 6400 किलोमीटर, लेकिन हमें तो आर्क लेंथ मालूम करनी है, और आर्क लेंथ जो है ना बेसिकली क्या चीज है, डायमीटर ऑफ द अर्थ है। तो इसलिए मतलब L किसके बराबर आ जाएगा, L आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे रेडियस से, तो हमारे पास डायमीटर आ जाता है। डायमीटर बेसिकली है कि चीज आर्क लेंथ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6400, तो दिस रिजल्ट किसके बराबर आ जाता है 2800 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट कर ली है, आर्क लेंथ कितनी आ गई है 2800 किलोमीटर आ गई है। अब हमारा मकसद क्या था, हमें डिस्टेंस मालूम करना था मून फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस मून फ्रॉम अर्थ, तो जिसको मैंने क्या फर्ज किया हुआ था आर, फाइंड क्या करना है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, जिसको मैंने R से रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, अभी फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला रिलेशन, हमारे पास आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल का जो रिलेशन में फार्मूला पड़ा हुआ है वो फार्मूला लगा देंगे। वी नो दैट फार्मूला है L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई थीटा। अभी यहाँ पे देखें L की वैल्यू पुट करवा देते हैं कि L हमारे पास क्या आया था 2800, और हमारे पास R तो फाइंड आउट करना है, और थीटा हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था अभी जो था उसकी वैल्यू थी 0.03316। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है ना इस साइड पे आके लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो दिस इंप्लाइज R बराबर आ जाएगा 28
800 डिवाइडेड बाय 0.03316, कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है 38 एंड 600 और ये 7, ठीक है, ये किलोमीटर में आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का जो यूनिट होता है वो सेम होता है, इसलिए हम मतलब कि जो यूनिट लेंथ ऑफ आर्क था वो भी किलोमीटर में था, इसलिए हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो भी किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास 38,386,007 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आ गया है अर्थ फ्रॉम द मून।